हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस पे। बच्चों, आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम्स जो है वो काफी नजदीक हो गया है। इसमें कुछ मंथ बचे हुए हैं और इसी में आपको एक अच्छे ढंग का प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक अच्छे से तैयारी करनी होगी। और हमारी पूरी टीम इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो प्रोवाइड करा रही है। पार्टिकुलर सारे चैप्टर को प्रॉपर तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आज का जो सेशन रहने वाला है मेरे भाई, वो आपको क्वेश्चन बेस्ड रहने वाला है, वास्तविक संख्या का। आज मैं हर एक एक्सरसाइज से कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके कराऊंगा और जो कुछ क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, जो आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे भाई, और आप एक अच्छी तरह से तैयारी करें। कहा जाता है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, और मन में हो कुछ सपने तो उस सपने मत तोड़ना। लाख मुश्किलें आएंगी कदम चलने पर, लेकिन सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो मेरे भाई, अभी आपको एकदम कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना है और अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम देना है, बेहतर एकदम एम्पलीट्यूड तैयार करना है, जिसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। और सारी चीजों को मैं प्रॉपर गाइडेंस तरीके से, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीजों को मैं एकदम बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज का जो आपका टॉपिक है। जो मैंने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट था मैंने बताया, फिर से उस कॉन्सेप्ट को आज मैं रिकॉल करूंगा, फिर से पुनः उसको दोहरा दूंगा। आप उस चीज को अच्छे से बिना स्किप किए अच्छे से देखेंगे और चीजें अच्छे से समझेंगे मेरे भाई। और कल पिछले वीडियो में मैंने आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में चर्चा किया था, आज मैं फिर से एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में चर्चा कर दे रहा हूं मेरे भाई, कि कैसे यूक्लिड डिवीजन क्या होते हैं। मैंने यूक्लिड डिवीजन के बारे में बताया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना मेरे भाई? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे हमने बताया कि जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा या तो बराबर होगा। यही मैंने बताया था मेरे भाई, यही आपका यूक्लिड डिविजन्स लेमा। लेमा का मतलब मैंने वीडियो में जिक्र कर दिया है पहले। कहने का मतलब लेमा कुछ नहीं होता है, लेमा एक तरह का थ्योरम ही है, जो पहले से साबित किया गया कोई चीज उससे कोई अनदर चीज साबित कर दिया जाए, कोई दूसरा चीज साबित हो जाए, उसी को कहते हैं लेमा यानी थ्योरम। तो यूक्लिड जी ने भाग विधि से दो पूर्णांक संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का एक मेथड, एक तरीका दिया, उसी को हम यूक्लिड डिविजन्स प्रमेय कहते हैं मेरे भाई। अब देखिए, यही आपका प्रमेय है। मैंने चर्चा भी किया था कि ये प्रमेय बना कैसे है मेरे भाई, कुछ प्रमेय में जान नहीं है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते आया है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ने पढ़ा है आपने, ठीक है ना मेरे भाई? अब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, मेरे बातों पे थोड़ा सा गौर से ध्यान देना है। ये जो चीजें हमने लिखा है इसको हम फिर से एक बार एनालिसिस करते हैं। इसको आपको भाज्य कहा जाता है, जिसको आप इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? उसके बाद इसको आप भाजक कहते हैं, ठीक है? इसको आप इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, ठीक है? अब बातें चीजें समझ, इसको आप शेष भागफल कहते हैं, इसको आप भागफल कहते हैं, ठीक है? जिसको आप इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है? अब देखिए, इसको आप शेषफल कहते हैं, ठीक है? और इसको आप इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? अब देखिए, ध्यान से चीजें ध्यान से देखनी है कि ये जो कैसे बना है मेरे भाई। अगर हम मान ले कि यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं 7, ठीक है? चीजें समझ में आ रही हैं? तो अब यहाँ दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम कोई नंबर लिख रहे हैं 7, ठीक है? अब इसको हमको 2 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है कि 2 3 या 6, ठीक है? यहां से माइनस करेंगे, यहां से 1 आ जाएगा मेरे भाई। कहने का मतलब, ये तो चीजें आपको पहले से पता है ना, आप वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन बात ये ध्यान देना है कि अगर चीजें यहां से थोड़ा सा हट जाए, यहां पे हट जाए, ठीक है? ये चीजें हम मिटा दे रहे हैं, यहां से -6, यहां से 1 रख दे रहे हैं।
अच्छा आपके एक दिमाग में चल रहा होगा कि सर टू को यहाँ पता नहीं यहाँ पे कोई नंबर है व्हाट कोई संख्या है, लेकिन इसको यहाँ से डिवाइड किए तो थ्री टाइम्स में किए, तीन बार में किए और यहाँ छह आ गए, इसमें से क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे कि ये आ जाए हमारा यहाँ पे नंबर आ जाए, तब कह सकते हैं कि टू थ्री जाए सिक्स और वन जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई सेवन आ गया। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये चीजें हमको यहां से पता नहीं थी तो हमने इसको क्या माना है, ये भाज्य होता है, तो भाज्य में क्या किए हैं कि भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसी भाजक को डिवाइजर को हम क्या कर दिए डी मान लिए, इसको आप जानबे करते हैं कोसेंट, इसको आपको पता है आर से डिनोट करते हैं, इसी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपने इसको क्या लिखा डी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू और प्लस आर मेरे भाई, लेकिन यूक्लिड जी ने इसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब कैसे लिखा, इस चीजों को ये बड़ी संख्या, ये आपका जो भाज्य होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसको उन्होंने लेट कर लिया ए, और जो भाजक है आपका, जो भाजक है आपका वो उसको आपको लेट कर लिया बी, मतलब छोटी धनात्मक पूर्णांक, और आपको पता है कि क्यू क्यू होता है और ये आर होता है, तो ये बड़ी धनात्मक पूर्णांक भाज्य की जगह पे आपको इसको लेट कर लिया ए, इस डिवाइजर को उन्होंने लेट कर लिया बी, बी मतलब छोटा धनात्मक पूर्णांक इंटू क्यू आप प्लस आर। देखिए तो मेरे भाई यही चीजें है ना, देखिए आपके सामने दिख रही है, फिर उन्होंने इसका मतलब बताया कि जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से छोटा होगा। मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत काम के है। अब ये भाजक से छोटा होता, देखिए भाजक क्या है और रिमाइंडर इसका क्या आया था एक, अब रिमाइंडर जब एक आया था तो दो यहां पे है और ये एक है यानी दो से छोटा है, और कहने का मतलब सर कहां तक छोटा, यानी जीरो से के बराबर या तो जीरो से बड़ा, मेरे भाई जीरो से छोटा कभी नहीं होगा। चीजें समझ में आ रही है ना। अब जीरो से सर छोटा हो गया यानी कि नेगेटिव, कभी आपने रिमाइंडर को नेगेटिव होते हुए देखा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। अब देखिए बात ये आती है कि ये जो है सर कितना छोटा होगा, तो एक बात दिमाग में थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना है, ज्यादा रटने की चीजें नहीं है कि सर रिमाइंडर जो होगा वो भाजक पे डिपेंड करेगा, भाजक जितना होगा उसका शेषफल उससे कम आएगा। कहने का मतलब जैसे भाजक यहां दो है, इसका शेषफल या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, लेकिन टू नहीं आएगा, टू आएगा तभी तो कट के जीरो हो गया ना मेरे भाई। क्लियर है ना चीजें, ये चीजें हम आपको एक्सप्लेन करने वाले थे अच्छे से, हमको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा पे जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये चीजें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं एग्जाम में मेरे भाई, वो चीजें देखनी है। चलो देखो तो ध्यान से एकदम अच्छे से देखो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, आज मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं 196 और 38 220, यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इसी पे यूक्लिड देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। मेरे भाई थोड़ा सा आप मेरे से एक चीज और सीख लीजिए, आपको डिवाइड मेथड से भाग विधि से यूक्लिड जी ने दो संख्या और सुन लेना है बात, कि ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो थ्योरम उन्होंने दिया वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्याओं पे लागू होता है, ये चीजें भी ध्यान देना है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं पे लागू होता है। अब ये जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है इनका एचसीएफ उन्होंने बताया कि हमारे मेथड से आप फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए एचसीएफ का मतलब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एचसीएफ ये क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ का मतलब होता है हाइएस्ट कॉमन और होता है मेरे भाई फैक्टर। क्लियर है ना चीजें। अब थोड़ा सा इसको अपोजिट तरीका से देखते हैं, उल्टा तरीका से नीचे से देखेंगे और अच्छे से चीजों को ग्रैब करेंगे। अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है मेरे भाई गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड, ये फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्लियर है चीजें। अब देखिए गुणनखंड क्या होता है, ध्यान से चीजें को समझना है। आपके पास कोई नंबर है, मान लेते हैं लेट सपोज आपके पास कोई नंबर 8 है, ठीक है, और वो 8 को ये 8 जो है जिस जिस संख्या से डिविजिबल होगा, मतलब भाग लगकर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी वही संख्या जो है आपका, वही संख्या जो है आपका क्या है, वही संख्या आप उसका
हेक्टर है यानी गुणनखंड है, मतलब फिर से चीजों को अच्छे समझ। जैसे ये एक का डिविजिबल है, ये दो का डिविजिबल है, ये चार से भी डिविजिबल है, ये अपने आप से भी डिविजिबल है। मेरे भाई इसके इतने फैक्टर, ये जिस जिस से कटेंगे वही इसका क्या होगा, डिविजिबल होगा यानी इसका गुणनखंड होगा। मेरे भाई क्लियर है चीजें। अब कहता है कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों संख्या हमेशा जो एचसीएफ निकलेगा वो दो संख्याओं के बीच, दो धनात्मक संख्याओं के बीच निकलेगा, उन दोनों संख्या में जो कॉमन होगा उसके बाद वहां पे चीजें है एच मतलब हाईएस्ट। अब हाईएस्ट भी देखना है, हाईएस्ट होना अधिकतम होना चाहिए, लेकिन अधिकतम के साथ साथ कॉमन होना चाहिए मेरे भाई, यही होता है एचसीएफ। अब भाग विधि से जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जिस नंबर से कटकर रिमाइंडर यानी शेषफल आपका जीरो आ जाए वही आपका जो चीजें हैं वही संख्या उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है यानी महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यानी चीजें का मतलब समझ में आ रही है अच्छे से कि मतलब जिस संख्या से वो डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद उसको रिमाइंडर विल बिकम जीरो यानी शेषफल को जीरो कर दे रहा है, जीरो कर देगा वही संख्या उस संख्या दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना। अब देखिए मेरे भाई जैसे एक क्वेश्चन लेके मैं समझाता हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं कि यहां से मतलब मान लेते एक संख्या लिए थे हम 8, ठीक है, और एक संख्या ले लिए मेरे भाई 12। अच्छे से एक्सप्लेन फिर कर रहे हैं। अब 8 का जो फैक्टर था वो 1 था, 2 था, 4 था, 8 था, फिर ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। अब मेरे भाई थोड़ा सा चीजें ध्यान से देखना, ये चीजें देखना कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले देखो फैक्टर तो निकाल लिया तूने, कॉमन क्या है मेरे भाई, कॉमन यहां 1 भी है, यहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। अब ये चीजें कॉमन नहीं है। अब करेंगे कॉमन के बाद हमको क्या देखना है, हमको देखना है हाईएस्ट, क्या देखना है हाईएस्ट, इन कॉमन टर्म में, इन कॉमन टर्म में सबसे हाईएस्ट कौन है 1 2 4 में, तो 4 है मेरे भाई, यानी 8 और 12 का एचसीएफ मेरे भाई जो हुआ वो क्या हो गया, 4 हो गया। यही तो सवाल का उत्तर है। क्लियर है चीजें, अच्छे से समझ में आ रही है ना। अब देखो मेरे भाई इस मेथड से, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, अगर डिवाइड मेथड से भी ये चीजें सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वही चीजें दिखाई देंगी जैसे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहां पे 8, अब देखिए यूक्लिड विभाजन लेमा से हम कैसे सॉल्व करें, पहले डिवाइड मेथड से, डिवाइड का मतलब यही होता है जो बड़ी संख्या होती है, जो बड़ी धनात्मक संख्या होती है वो आपका भाज्य होता है, जो छोटी धनात्मक संख्या होती है वो आपका क्या होता है, भाजक होता है। तो इसको अंदर इसको बाहर रख देते, इसको एक टाइम्स में ले जाएंगे 8, 12 में से 8 घटेगा 4। अब ये जो चीजें हैं जब 12 को डिवाइड कर रहा था तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है। अब मेरे भाई जब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये शेषफल 4 आ गया, लेकिन छोटा हो गया अब तो लगेगा नहीं। अब शेषफल जो है भाजक से एक सवाल खड़ा करेगा कि भाई तुमको तो मैंने मौका दिया कि तुम हमको काटो, लेकिन तूने हमको नहीं काट पाया, अब हम तुमको काटेंगे। अब उसको कहेगा तुम इधर आ जाओ, अब इसको इधर बुलाएगा मेरे भाई। क्लियर, 4 × 8, देखो ध्यान से चीजें समझ में आ रही है ना, ध्यान से देखो 4 × 8 मेरे भाई, यहाँ पे शेषफल 0। अब हम बोले थे कि जब शेषफल अगर 0 आ जाए और जिस संख्या से वो 0 आएगा वही संख्या दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक होता है। अब देखो तो मेरे भाई महत्तम समापवर्तक किससे कट के 0 आया है, 4 जो है 8 को 2 टाइम्स में काट दिया तो रिमाइंडर कितना, 0। अब देखो यहां इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4। अब देखो दोनों चीजें मैच खा रही, यहां भी 4 यहां भी 4, चीजें क्लियर हो गई, अच्छे से ग्रैब कर रहे हो ना मेरे भाई। जहां पे दिक्कत होगा फिर से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे भाई। नेक्स्ट, अब आप ये चीजें अच्छे से आपका क्लियर हो पाया एचसीएफ। अब चलते हैं काम की बातें करते हैं मेरे भाई। अब काम की बात थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब काम की बातें ये है मेरे भाई कि सवाल को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, सवाल को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा चीजें देखेंगे। चलो देखो, चलो देखो, अब आओ मेरे भाई। अब सवाल यह है कि 196 और 38,220 के बीच आपको एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बताना है। मेरे भाई यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग जो थ्योरम है यही है आपके मेरे भाई। अब चीजें मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं, पहले तो आपको साइड में कहीं भाग करना है, जो बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जो बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो जो है
जो बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसको इस तरह से लिखना है 196, यानी ये भाजक हो जाएगा, और 30 220 ये आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये आपका बड़ी धनात्मक पूर्णांक और 196 जो है आपका छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। मेरे भाई अब थोड़ा सा चीजें अलग हो गई, अब यहाँ पे तो आपको बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको भाग करने में भी काफी परेशानी होगा। नहीं मेरे भाई, ये सारे टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, ये सारे टेंशन मुझ पे छोड़ देने हैं और एक एक चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना है मेरे भाई। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ है 28, ठीक है चीजें दिखाई दे रही है, और यहाँ है 196, यहाँ है आपका 196। अब ध्यान से देखना, ये अगर 6 को हटा दो तो ये 19 बन गया, 19 दुना 38 दो बार में चल जाएगा, यहाँ से चीजें क्लियर हो रही है। लेकिन मेरे भाई इसके साथ एक 2 लगा है, इसके साथ 6 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 जो होगा 2 से ज्यादा, यानी चीजें ये क्लियर हो गई कि सर ये 2 टाइम्स में बिल्कुल नहीं जाएगा, ये इसको 1 टाइम्स में ले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इसको 196 कर दिए। अब देखो मेरे भाई, अब घटाओ यहां से, 12 में से 6 घटेगा 6, ये हो जाएगा आपका कितना, 17 में से 9 घटेगा 8, ये 2 में से 1 घटेगा 1, ऊपर से 0, एक संख्या उतार लो। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे भी चीजें बड़ा होगा, 1862 है, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, सर कितना कैलकुलेशंस करें, कैलकुलेशंस को भी दिमाग में लेके चलना है मेरे भाई। श्याम ध्यान से सुनो, इसको 19 मान लिए हैं और इसको 186 मानो, 19 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो 190 होगा, 186 से 190 ज्यादा होगा, यानी दिमाग में एक चीजें क्लियर हो गई कि जो संख्याएं हैं वो कितने टाइम्स में जाएंगी, 9 टाइम्स में चली जाएंगी, 9 6 54 का 4, 5 9 81 5 86 के 6 और 8, 9 1 9 8 17, 17 से 64, 12 में से 4 घटेगा 8, ये हो जाएगा मेरे भाई 15 में से 6 घटेगा 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक 0 बचा उतार लेंगे मेरे भाई 980। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई, 19 5 95, बिल्कुल 19 का टेबल यहाँ पे 98, ध्यान से देखो 98 और यहाँ है 19 इधर वाला डिजिट, तो 19 5 95 5 टाइम में 95 जा सकता है, 6 टाइम्स में नहीं जाएगा मेरे भाई, ज्यादा हो जाएगा 95 मत, 19 5 95 तो क्लियर हो जाएगा, 6 5 33 980 बिल्कुल आपका राइट आंसर है मेरे भाई, और कट के 0 आएगा। हमने बोला कि जिस संख्या से कट के 0 आएगा वही उसका SCF, मतलब ये किस संख्या से कटा है तो इसका SCF जो होगा मेरे भाई 196। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में इस तरीके का यूज नहीं करना, ये आपको रॉफ कॉपी पे करने हैं, आपको इस पे बैठाना है, और कैसे बैठाना। अब देखो एक चीजें मैं पार्टिकुलर, हमने बताया था कि ए बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो ए आपका बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या इसमें कहां दिखाई दे रही है, तो यहां पे आपको चीजें दिखाई दे रही है मेरे भाई, कहां पे, यहां पे, तो इसके जगह पे ए के जगह पे हम बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखेंगे 38220 मेरे भाई, बराबर का साइन देंगे, बी बी कितना है मेरे भाई 196 है, क्लियर है ना चीजें, कोसेंट कितने टाइम्स में भाग लगा है 195 टाइम्स, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया है मेरे भाई एकदम कट के सब 0 आ गया है। अब देखो आगे तो चीजें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, और पता है कॉन्सेप्ट की जगह रिमाइंडर अगर सक्सेसफुल 0 आ जाएगा हमारा तो वही हमारा क्या होगा एससीएफ, तो किससे सक्सेसफुल 0 आया है इससे, यानी कि 196 और 38220 का महत्तम समापवर्तक आपका क्या निकला मेरे भाई 196। यही आपका सवाल का, और ऐसे ही एग्जाम में बना के आना है मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, अच्छे से क्लियर हो रही है ना मेरे भाई? ओके मेरे भाई, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। देखो सवाल, हम नेक्स्ट बातें ये होगी कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां क्यू पूर्णांक है। मेरे भाई पता है ना पूर्णांक क्या होता है, चीजें पता है ना पूर्णांक क्या होता है, यानी 0 से मिलाकर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या जब आपस में मिलती है मेरे भाई वो संख्या है पूर्णांक संख्या कहलाती है। चीजें अच्छे से ग्रैप हो रही है ना? अब देखो मेरे भाई, ये जो सवाल है ना अपने आप में काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बच्चा जो होता है ना एग्जाम में देख कर पढ़ के ही उसको चीजें समझ में नहीं आ रही है कि वो चीज कह क्या रहा है उनसे, और जिस पहले सवाल बनाने से पहले सवाल का एक थॉट होता है कि पहले उस सवाल का थॉट को समझें, एक से दो बार एग्जाम में सवाल को पढ़ें,
सवाल पढ़ने से आधे चीजें क्लियर हो जाती हैं। मेरे भाई सुनो ध्यान से, दर्शाएं कि उसमें 90% इस सवाल को बच्चे जो है छोड़ के आ जाते हैं। दर्शाएं कि दर्शाएं मतलब साबित करना है, सो दैट दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक संख्या है। अब मेरे भाई कोई भी विषम पूर्णांक का मतलब मैंने बताया कि जो दो का डिविजिबल नहीं हो, मतलब जिसको दो से पूरी तरह नहीं काटा जा सकता है, वही संख्या हमारी विषम। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे भाई। अब मेरे भाई उसमें धनात्मक लेना है, पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। अब चीजें देखो मेरे भाई, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इस सवाल को इतना मैं इजी लेवल से सॉल्व कर दूंगा कि आप चीजों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे मेरे भाई। अब ध्यान से देखो क्या करना है, आपको पता है यहां से हम शुरुआत कैसे करेंगे। इसका देखिए हल लिख रहे हैं, यहां से चीजों को कैसे शुरुआत करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका होता है a बराबर bq+, और ये चीजें आपको बार बार लिखनी है मेरे भाई। यहां जो शेषफल होगा भाजक से छोटा, लेकिन जीरो से क्या होगा मेरे भाई, बड़ा या तो बराबर। चीजें समझ में आ रही है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को। अभी थोड़ा सा एक चीज में जिक्र किया था, ध्यान से देखो, जैसे तुमको बोला कि 2 से डिवाइड करना था, यहां चीजें पता नहीं थी, यहां पे मैंने -6 करके यहां 1 ला दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां वाली चीजें गायब है, मतलब आपका क्या भाज्य गायब कर दिया गया। भाज्य हो सकता है कोई संख्या हो, लेट कर लेंगे, ज्यूम कर लेंगे कोई नंबर हो, लेकिन इसको इसमें भाग करेंगे, लेकिन इसको इसमें भाग करेंगे तो 3 टाइम्स में किए थे, यहां पे 6 आ गया था, लेकिन यहां वाला संख्या अगर गायब कर दिया जाए तो ये चीजें मतलब खोजनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी यहां पे वो चीजें, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा मेरे भाई, तभी ये प्रोसेस हो पाया है। दिमाग लगाओ, इसमें से किसी एक संख्या को उठाकर यहां पुट कर देंगे, किसी संख्या को। चीजें एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझना, इसमें से कोई एक संख्या उठाओ, जैसे हम ले लिए 6q+1, इस चीजों को। अच्छा देखो, तो q की जगह पे अगर हम लिखते हैं 6q+1, अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये आपको बोले थे कि ये जो छोटी संख्या होती है जिसको आपको इसको भाजक कहते हैं, अब ये चीजें यहां पे कोई संख्या छिपा हुआ है इसके तरफ, अब इसको हम भाग करेंगे तो यहां से कोई संख्या आएगा, यानी कि इस जो कोशेंट है, यहाँ पे जो कोशेंट है कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये जो संख्या है 6, ये क्या है डिवाइड, ये आपका डिवाइजर है यानी भाजक है, और भाजक किसी संख्या को यहाँ पे भाज्य को खोजेगा, और भाज्य को खोजेगा, खोजने के लिए उसका प्रोसेस रिमाइंडर था, यहाँ पे कोई संख्या छिपी हुई थी जिसे इसको करने पे यहाँ पे वो संख्या, हो सकता है वो कोई नंबर हो। अब इसको क्या कर लेंगे, ये चीजें आपको कुछ ना कुछ दिला रही हैं, यहां से कंपेयर कराएंगे तो भाजक के सामने 6 दिख रहा है, बी के सामने, यानी कि ये भाजक, भाजक आपका क्या हो गया 6, और मैंने ये कहा था कि 6 जो भाजक होगा उसे आपको शेषफल लाने के लिए मतलब हेल्प करेगा, यानी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि शेषफल जो होगा भाजक से छोटा, मेरे भाई कितना छोटा, तो उससे 1 कम होगा, मतलब 0 के बराबर या तो 0 से ज्यादा, लेकिन 0 से छोटा नहीं। इसके जो मैक्सिमम अधिकतम शेषफल बनेंगे, अधिकतम जो शेषफल बनेगा वो या तो 0 होगा, वो या तो 0 होगा वो या तो 1 होगा वो या तो 2 होगा वो या तो 3 वो या तो 4 या तो 5। मेरे भाई ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, ध्यान रखना है कि भाजक क्या है, और भाजक से उसका शेषफल जो होगा हमेशा 1 कम। अब आप पूर्ण संख्या का सीरीज लगा देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहां अगर 7 होगा तो उससे 1 कम 6, यहां 8 होगा तो उससे 1 कम 7, ये चीजें ध्यान में रखनी है मेरे भाई। अब देखो यहां से, अब चीजें बहुत करना आसान हो गया, देखो ध्यान से कैसे करेंगे चीजें, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं मेरे भाई। अब ध्यान से देखो चीजों को कैसे बनाएंगे,
अब इतना तो कर लेना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तुमको अब बारी बारी से चीज को, यहां पर मान लेते एक ही जगह पे कोई नंबर होगा छिपा होगा पता नहीं, लेकिन आपको बी पता है, बी में क्या है 6Q रिमाइंडर। एक बार क्या, हर एक बारी बारी से आपको इस शेषफल को रिमाइंडर के जगह क्या करना होगा, आर के जगह पुट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो 6Q प्लस क्या हो जाएगा, 0, मतलब क्या हो गया 6Q, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हो सकता है कि अगली जो नंबर आए हो सकता है कि 6Q प्लस 1 हो जाए, यानी कि 6Q में 1 जोड़ेंगे तो 6Q प्लस 1 मेरे भाई। उसके बाद अगली जो संख्या होगी यानी 6Q प्लस 2 मेरे भाई, तो 6Q प्लस 2 हो गया, क्लियर है ना चीजें। उसके बाद अगर 3 जोड़ते हैं मेरे भाई तो 6Q प्लस 3 इक्वल टू 6Q प्लस 3, क्लियर है ना चीजें। 6Q प्लस 3 मेरे भाई, ध्यान से देखना, एन 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6Q प्लस 3, यानी कि 6Q प्लस 3, क्लियर है चीजें। उसके बाद अगर 4 जोड़ते हैं मेरे भाई तो 6Q प्लस 4 इक्वल टू 6Q प्लस 4। अब देखो मेरे भाई, एन अगर 5 लेते हैं तो 6Q प्लस, अगर 5 रखते हैं तो 6Q प्लस 5, इतने चीजें कर देना। देखो चीजें कितनी आसान है। अब देखो मेरे भाई, अब ध्यान से देखना कि सर हमसे तो विषम पूछा गया है, लेकिन यहां जो संख्या का सृज दिखाई दे रहा है, ये सृज जो शेषफल आया वो तो संख्या लगातार है, मतलब इसमें विषम भी होंगे सम भी होंगे मेरे भाई। अब ध्यान से देखो 6Q प्लस 0, अब सबसे पहले कोई चीजें साबित करनी है तो उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में काम करो। अब विपरीत डायरेक्शन में काम करो कि ये 6Q है, यहां देखो कि ये सम संख्या ही बेन, जो सम संख्या का मतलब होता है जो दो से विभाज्य हो जाए वो संख्या सम संख्या है। देखो इसमें से छांटो। अब देखो तो यहां इसको हम ये तो लिख सकते हैं 2 × 3Q, बोलो कि क्यों सर, यहां ये 2 का डिविजिबल है, जो संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है यानी मल्टीप्लीकेशन होती है गुणनफल होता है, वो संख्या उस संख्या से विभाज्य भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या जिस संख्या का डिविजिबल है वह संख्या उस संख्या का मल्टीप्लीकेबल है। अब मेरे भाई यहाँ 2, यहाँ 2 3 या 6, 2 से ही डिविजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ चीजें देखेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है मेरे भाई, कौन, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा आगे देखो, अब 2 से कौन डिविजिबल है मेरे भाई, ये 2 से डिविजिबल हो जाए, कारण इसको लिख सकते हैं 2 × 3Q प्लस 2, यानी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड भी होगा। अब मेरे भाई चीजें देखना कि ये चीजें जो है 6Q प्लस 3 ये 2 का डिविजिबल नहीं है। अब चीजें देखना कि ये चीजें देखना कि 6Q प्लस 4 भी 2 का डिविजिबल, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3Q प्लस 2, क्योंकि 2 यहां से कॉमन ले लिए। अब मेरे भाई 6Q प्लस 5 जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है मेरे भाई, क्लियर है ना। अब इससे कुछ साबित हो गया, क्या साबित हो गया, एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे इसको, देखो एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे यहां ऐसे, यहां 6Q प्लस 2, यहां 6Q प्लस 2, उसके बाद ये चीजें पहले लिखेंगे 6Q 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4, यह एक सम संख्या है, कौन संख्या, सम संख्या, क्योंकि ये मेरे भाई 2 से डिविजिबल है, क्लियर है। लेकिन मेरे भाई चीजें समझना ध्यान से, जो इस कलर वाली है ग्रीन वाली, यानी कौन कौन, आपको सबसे पहले देखो रेड कलर से लिए 6Q प्लस 1, जो ग्रीन से घेरे हुए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5, अतः यहां लिखेंगे अतः 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 एक विषम विषम धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक संख्या है, अतः इसे 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं मेरे, खत्म बात। देखो सवाल को मैंने कितने अच्छे ढंग से सॉल्व किया है, चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है ना मेरे भाई, बिल्कुल अच्छे से ढंग से कुछ नहीं किया है मैंने। 6Q प्लस 1 से एक बार इसको कंपेयर कराया है मैंने, कंपेयर कराने के बाद क्या किया है मैंने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो कॉन्सेप्ट है उस पे मैंने पुट किया, और मैंने चीजें बताई मेरे भाई कि ये जो संख्या है
ये जो संख्या है उसको एक बार कंपेयर कराएंगे यहां से, तो यहां से आपका भाजक मिल जाएगा। और आपको बताए हैं कि भाजक जब आ जाएगा तो हमेशा उसका शेषफल जो होगा भाजक से एक दिमाग में बैठा लेना है कि हमेशा एक छोटा होगा। तो अगर भाजक 8 हुआ तो उसका शेषफल 0 से लेकर 7 तक, अगर भाजक 9 हुआ तो उसका शेषफल 0 से लेकर 8 तक। मेरे भाई हमेशा एक छोटा होगा, क्लियर है ना चीजें? अब देखो मेरे भाई ये चीजें, और पहले आपको इवन संख्या छाट लेना, उसके बाद ऑड संख्या अपने आप आ जाएगी। मतलब आप कोई चीज प्रूव करने चलते हैं तो उसका जो विपरीत जो चीजें हैं उसको अगर कभी भी एग्जाम में बैठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्या करो, जो चीजें का बारे में पूछा जा रहा है उसमें से कौन कौन चीजें उस बारे में नहीं लागू हो सकती है, अप्लाई नहीं हो पाएंगी, उस चीज को बाहर छांट दो, जो चीजें रिमेनिंग बचेगी वही आपका आंसर होगा, और ज्यादा घबराहट भी नहीं होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट इस पे सवाल कुछ और पूछे गए हैं मेरे भाई। अब सवाल देखो, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? मेरे भाई चीजों को पहले अच्छे से समझो, एक आपका आर्मी बैंड है, आर्मी की एक टुकड़ी है जिसमें एक तरफ 616 सदस्य है, एक तरफ 32 सदस्य वाली संख्या का जो 32 सदस्य वाली जो आर्मी की जो टुकड़ी है जो कंपनी है वो आगे चल रही है, लेकिन जो 616 वाली जो सदस्य संख्या उसके जस्ट पीछे है। लेकिन सवाल में आपसे ये कहा गया है कि अगर दोनों को एक समान रूप में एक स्तंभ में अगर हमको खड़ा करना हो तो उसका मेरे भाई अधिकतम कितने से कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? सर ये कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? सारी चीजों को अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट को प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूं, उसको अच्छे से आप ग्रैब करते चले। जहां पे मेरे भाई यहां से भी एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, जहां से भी अधिकतम संख्या पूछे जाए, जब भी सवाल में आपसे अधिकतम संख्या पूछे जाए, मैक्सिमम संख्या पूछे जाए, तो उस कंडीशन में एचसीएफ फाइंड होता है मेरे भाई, एचसीएफ फाइंड होगा। और जब सवाल में अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम न्यूनतम पूछा जाए या कम से कम पूछा जाए, कम से कम, तो हमेशा हमेशा एलसीएम ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? एलसीएम ज्ञात किया है। और मेरे भाई ये जो चीजें हैं ना, ये आगे भी आपके एग्जाम्स में, चाहे आप कंपटीशन के दुनिया में जाएं, चाहे जहां पे भी तैयारी करें, तो वहां पे ये चीजें काम आने वाली है मेरे भाई। इस पे रिलेटेड सवाल हर एक जगह बैंकिंग सेक्टर, एसएससी सेक्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अधिकतम संख्या पूछेगा यानी कि दी गई संख्या का हमको एचसीएफ फाइंड करना है, न्यूनतम पूछेगा, कम से कम पूछेगा, तो उस दी हुई संख्या का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करेंगे। अब ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेरे भाई कि सवाल कैसे बनेंगे, सवाल कैसे बनाए जाएंगे। तो अब सवाल ये बनाया जाएगा कि किसी परेड में 600, अब आपको उसमें कॉलम फाइंड करना है, जैसे कि आप परेड में स्कूल में खड़े होते हैं, कुछ ऐसे परेड में खड़े होना है कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उसको खड़ा कर दिया जाए, तो उनके लिए एक कॉलम जब बनेगा तो बराबर बराबर संख्या में बने, क्लियर है चीजें? अब देखो मेरे भाई, तो 616 सदस्य हैं, हमने बोला कि दोनों अधिकतम दिया हुआ, तो अधिकतम में आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको 32 और 616 है, 32 तथा 616 के बीच, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? भागे विधि से निकालेंगे मेरे भाई, 616 को निकालेंगे। अब देखो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, 32 दूना 64 ज्यादा हो जाए, एक टाइम्स में पढ़ो ना, 32 11 में से 2 घटेगा 9, ये 5 में से 3 घटेगा तो ऊपर से उतरा 6। अब मेरे भाई देखो ध्यान से, अब 32 ज्यादा हो रहा है, अब कितने टाइम्स में ले जाएंगे मेरे भाई? अब आप इसको कितने टाइम्स में ले, 9 टाइम्स में ले जा सकते हैं। देखो तो 9 दूना 18 और 9 3 27 एक 28 बिल्कुल चल गया, 6 में से 8 16 में से 8 घटेगा 8, ये कैंसिल हो गया मेरे भाई। अभी अभी आपका एचसीएफ नहीं आया क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक रिमाइंडर, लेकिन यार ये तो मौका था इसके पास काटने का, लेकिन ये इसको पूरी तरह डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि तुम डिवाइड नहीं किया, हम तो बच गए, अब तुमको अब बुला रहे, हम तुमको डिवाइड करेंगे, इनको यहां लाएंगे, ये 32। अब 8 चौक का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 32। अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और इस क्लास के वीडियो में मैंने पीछे बताया है कि कैसे निकाला जाता है। तो जिस नंबर से डिवाइड होकर अगर ये डिवाइड हो गया और ये रिमाइंडर शेषफल 0 हो गया, वही संख्या इस संख्या का एचसीएफ कहलाएगा, यानी 32 तथा 616 का एचसीएफ जो होगा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8। और यही सवाल का उत्तर भी है, लेकिन इसको लिख देंगे लैंग्वेज में कैसे भाई, कैसे लिखेंगे?
अधिकतम अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, 8 होगी, जिसमें जिसमें सेना का परेड होना है मेरे भाई। क्लियर है ना? ऐसे सवाल को एग्जाम में लिखेंगे मेरे भाई। क्लियर है चीजें? अच्छे से क्लियर है ना मेरे भाई? अच्छा चलो मेरे भाई, अभी ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मेरे भाई ये भी सवाल जो है दो नंबर सवाल के जैसे है, थोड़ा सा इसमें चीजें अलग हैं। वहां पे डायरेक्ट सवाल को ट्रीट किया गया था, यहाँ पे सवाल को ट्रीट करने के साथ साथ इसमें कुछ और लॉजिक दिए हुए हैं, उस लॉजिक को कैसे अप्लाई करेंगे मेरे भाई। यहाँ कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही प्रयोग करना है, लेकिन मेरे भाई दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप होता है। यानी मेरे भाई इसमें किसी पूर्णांक का संख्या का लेकिन धनात्मक होना चाहिए, उसका वर्ग करने पे ये चीजें आनी चाहिए। चीजें क्लियर हो रही है ना? अब बोले थे कि उतना कुछ सवाल में झंझट नहीं है मेरे भाई, तुम चीजों को अच्छे से, मैंने सेकंड जो मेरा क्वेश्चन था उसमें मैंने समझाया कैसे कहां से स्टार्ट करना है। चीजें जहां से आपको ग्रैप होने लगेगी, यहां से हमको स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को, चीजें आराम होती चली जाएंगी। देखिए कैसे करना है मेरे भाई, करना ये है कि हम क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या है आपका यूक्लिड डिवीजन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है चीजें मेरे भाई, इसी पे तो बैठाना है। और यहाँ पे जो शेषफल होगा वो भाजक से छोड़िए, बार बार चीजें लिखनी है मेरे भाई, कभी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अब क्या करना है, मैंने क्या बताया कि इसमें से कोई एक संख्या उठा लो मेरे भाई, अब उठाकर इसको कंपेयर कराओ। जैसे तुमने कंपेयर कराया ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, तो अब हम यहां पे जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर को अगर देखते हैं मेरे भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को, तो यहां से चीजें क्या मिल गया, यहां से चीजें मिल गया 3q+r। अब ध्यान से देखो, आपका भाज्य जो है यहाँ पे, आपका जो भाज्य है मेरे भाई, वो भाज्य जो है यहाँ पे b का जो वैल्यू आया, जो भाज्य है, जो भाजक है आपका, जहां b का वैल्यू आ रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम तीन है इसको किसी, यहाँ पे कोई नंबर है हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, और मैं जब डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई नंबर छिपा हुआ है, कोई संख्या छिपी हुई है। अब मेरे भाई जब संख्या छिपी हुई है तो हम आपको बताएं कि इसका अधिकतम शेषफल कितना होगा, तो आपको पता है कि अधिकतम शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा, लेकिन शेषफल से क्या होगा, हमेशा शेषफल, शेषफल जो होगा हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा या तो बराबर होगा। चीजें अच्छा, कितना शेषफल होगा इसका, जो अधिकतम शेषफल होगा वो या तो जीरो होगा या तो वन होगा या तो टू। मैंने अच्छे से बताया प्रॉपर तरीके से कि जितना भाजक आपको पता चल जाएगा, शेषफल जो होगा हमेशा उससे एक कम होगा मेरे भाई। अब देखो चीजों को पुट करो। अच्छा अब क्या करना है तुमको, चीजें अच्छे से पता है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म अगर जीरो रखते हैं, अच्छा बार बार जीरो क्यों रख रहे हैं, अब जीरो के बारे में कुछ चीजें मैं अच्छे से बताऊंगा तुमको। अब देखो एन बराबर अगर जीरो रखते हैं तो यहां से क्या मिला, ए, अब यहां से चीजें क्या मिल गई तुमको बाबू, यहां से मिल गया 3q+ क्या जीरो, 3q में जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q। अब मेरे भाई इसका वर्ग कह रहा है, वर्ग मतलब समझते हो ना, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 9q2। चीजें समझ में आ रही है ना, 9q, 3 का स्क्वायर है, क्यू का भी स्क्वायर होगा। अगर हम यहाँ पे चीजें दो रख रहे हैं मेरे भाई, दो रख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वन रख रहे हैं, सॉरी वन रख रहे हैं तो यहाँ पे चीजें 3q+1 हो जाएगा। अब 3q में वन जोड़ेंगे तो 3q+1, अब 3q+1 का भी आपको क्या कर रहा है, वर्ग करने का कर रहा है, तो वर्ग करने के लिए कह रहा है तो करेंगे हम, तो यहाँ ये जो चीजें हैं अब ये तो उल्टा हो रही, a+b का होल स्क्वायर, यानी जो चीजें आपको पता नहीं वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, a+b का अगर होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई होगा तो a² b² 2ab मेरे भाई, यही चीजें होती है, a² + b² + 2ab। अब देखो a कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई 9q स्क्वायर,
बी बी कौन है, वन है, तो बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, टू ए बी तो टू ए बी, ए बी मल्टीप्लाई में होता है टू के, तो टू थ्री सिक्स, सिक्स क्यू वन से गुना करेंगे तो सिक्स क्यू, कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, सजा लेते हैं मेरे भाई, तो नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन मेरे भाई। अब देखो अगर हम नंबर ऑफ टर्म, अगर हम नंबर ऑफ टर्म दो रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, थ्री क्यू प्लस टू मेरे भाई, इसका स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस फोर प्लस, अब देखो तीन दुना छह दुना बारह क्यू, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेंगे, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस बारह क्यू प्लस चार मेरे भाई, खत्म। लेकिन अभी तो इस फॉर्म में सर आपके देखने के हिसाब से ये इस फॉर्म में आया नहीं है, लेकिन मेरे भाई आ गया है, देखो कैसे आ गया है। अब चीजों देखो ध्यान से, अब ये जो है थ्री क्यू स्क्वायर, अब कह रहा है कि यहाँ पे क्यू जो है सम कुछ, एम जो है कुछ सम नंबर है, इसमें से हम तीन कॉमन ले सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर मेरे भाई, बोलो हाँ सर बिल्कुल क्यों नहीं। अब देखो यहाँ पे क्यू जो है, यहाँ पे जो क्यू है वो सम इंटीजर्स नंबर, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका सम एम के जगह पे क्या पुट करना है, क्यू, क्यू के जगह एम पुट करना है, तो अगर हम यहाँ थ्री है यहाँ एम रख देंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यहां से मिल गया थ्री एम। चीजें यहां ध्यान दो, इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में खाली देखना है, तो तीन कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, इस ब्रैकेट वन को बाहर रख देते हैं मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, अब बाहर रख देते हैं तो ये क्यू की जगह पर क्या है, सम इंटीजर्स नंबर है, थ्री से एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एम प्लस वन आ गया ना मेरे भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चीजें क्या है, नेक्स्ट है कि यहां से कैसे कॉमन लेंगे सर। अब सर यहां बहुत कंफ्यूजन है कॉमन लेने में मेरे भाई, ले सकते हैं देखो ना इसको, इस चीज को और छोटा करते हैं, अच्छा इस नाइन क्यू स्क्वायर प्लस बारह क्यू को चार को तोड़ सकते हैं, चार को तोड़कर हम थ्री प्लस वन तो लिख ही सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो इस चार को तोड़कर हम क्या कर दिए, इसको चार को तोड़कर हम कर दिए थ्री क्यू प्लस वन मेरे भाई। अब तो कॉमन चीजें आसान हो गई आपके लिए, अब आसान होगी तो क्या कॉमन ले लेंगे, थ्री कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू और प्लस वन, अब बाहर में वन बचा हुआ है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से चीजें, अब चीजें ये ध्यान से देखो कि यहाँ तो क्यू जो है सम इंटीजर्स नंबर ऑफ एम, एम कोई पूर्णांक संख्या है, क्योंकि जब पुट कर देंगे थ्री से एम से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, बाहर में वन बचा हुआ है मेरे भाई, तो थ्री एम प्लस वन। अब चीजों को थोड़ा सा एक बार गौर से देखो, इसको तोड़ के मैंने थ्री एम लाया, इसको भी तोड़ के थ्री एम, यहाँ पे थ्री एम, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी धनात्मक, अब कैसे लिखेंगे, किसी धनात्मक, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, संख्या का वर्ग थ्री एम, थ्री एम प्लस वन के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है मेरे भाई, खत्म हो गया। यही चीजें थी मेरे भाई आंसर, कितने अच्छे से समझ में आ रही है ना चीजें, आई हो क्लियर होगा, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से चीजें समझो। अब आज का जो मेरा एक्सरसाइज से रिलेटेड जो सवाल है मेरे भाई वो समाप्त हुए। अब मैं एक चीजें बता रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दर्शाएगा किसी धनात्मक पूर्णांक नाइन एम नाइन प्लस वन और नाइन एम प्लस वन, ये भी चीजें ध्यान से देखो मेरे भाई, ये चीजें आप कर लेना, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं। अब सर इसको कैसे बोले हैं आप शुरुआत करने के, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मेरे भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे बोले हैं, इसको क्या करना है, यहां से कोई नंबर उठाओ, इसको यहाँ पे क्या करो पुट करो, यहाँ पे जब पुट करोगे तो यहाँ से तुमको कुछ चीजें मिलेंगी। अब मेरे भाई क्यू की जगह पे एम, एम कोई एंट्रेंस, एम, एम कोई इंटीजर पूर्णांक संख्या होगा, यहां से जो चीजें मिल रही है बी का वैल्यू यानी जो आपका भाजक मिल रहा है वो नाइन, लेकिन ये भी एक कंफ्यूजन है यार, भाजक जब नाइन है तो इसका शेषफल अधिकतम कितना होगा, इसका शेषफल अधिकतम कितना होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मेरे भाई आठ, सर आपके कहने का हिसाब तो अच्छा इतनी संख्या रख, लेकिन एक चीज और कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब होता है क्यू, किसी संख्या का पावर थ्री, क्या ये चीजें संभव है आपसे हो पाएगी, इतने वैल्यू रखेंगे, कितनी टाइम टेकन सवाल है ये, लेकिन इसको छोटा किया जा सकता है मेरे भाई। देखो कैसे छोटा किया जाएगा, इस 9m को हम, इस 9m को तोड़ के हम ये भी तो लिख सकते हैं 3m, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई तो ही है,
ये इसका डिविजिबल तो ही है। अब इससे फायदा क्या हो गया कि अगर हम इसकी जगह पे 3m रखते हैं तो यहां से सेसफल कितना हो जाएगा, यहां से सेसफल 0, 1, 2। अब देखो चीजें आसान है, अब तुमको डायरेक्ट क्या करना है, इस पे पुट करते जाना है कि सर ए नंबर ऑफ टर्म अगर लेंगे तो हमको मिलेगा 3q + 0, 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q, लेकिन q कहने का घन कार है, घन मतलब पावर 3। अब तो सर ये a प्लस बी पे चीजें कहीं ना कहीं ट्रीट होंगी, a प्लस बी पे ट्रीट होंगी, अगर हम नंबर ऑफ टर्म 1 रखते हैं तो 3q + 1 यानी 3q + 1 का होल क्यू मेरे भाई। अब a प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ जो आप घर पे बना लेंगे, a प्लस बी का होल क्यू यहाँ पे लागू होगा a³ + b² + 3a² b + 3b² a मेरे भाई। इसी चीजों को यूज करके आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अब अगला एक्सरसाइज जो हम देखेंगे मेरे भाई और नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, तब तक के लिए आप इतनी चीजें 1.1 जो है 1. जो एक्सरसाइज आपका हो गया वो मेरे भाई अच्छे से आप कवर करेंगे, एक और चीजों को बारीकी से समझेंगे बिना वीडियो स्किप किए हुए, और अच्छे से अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भेजें। तब तक के लिए आपको बाय, धन्यवाद मेरे भाई, और अच्छे से अपनी तैयारी को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट हो तो कमेंट भी करें मेरे भाई।